अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट टू फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने पहले इससे जो पहला लेक्चर था जो कि कूलम्स लॉ और चैप्टर की बेसिक्स के बारे में था, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अगर तो वो आपने समझ लिया है तो वेल एंड गुड, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यों होती है, क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। हम इन दोनों बातों को आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते थे, अब वो जान लेते हैं। देखिए, जिस तरह एक अर्थ है, अर्थ की एग्जाम्पल हम इस तरह से लेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ की एग्जाम्पल इसी बोल से ले लेते हैं, ये अर्थ है तो इसके गिर्द एक फील्ड है, ये चीज़ हम जानते हैं ना हम, कि इसके गिर्द एक फील्ड है। जैसे ही कोई चीज़ इसकी फील्ड में आती है तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ उसे खींच लेती है। तो वो कोई ना कोई चीज़ है ना जिसकी वजह से वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर कोई एस्ट्रॉयड हम देखते हैं कि सितारा गिरा है, कोई कह देते हैं कि ज़मीन पर कोई चीज़ गिरी है, एस्ट्रॉयड गिरा है, ठीक है। तो वो चीज़ उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाती है। अगर वो बाहर रहे तो वो ऊपर से गुजर जाएगी, स्पेस में घूम रही है ना चीज़ें, तो वो कहीं वो इस तरफ चले जाएगी या इस तरफ चले जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी जो प्रॉपर फील्ड है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर आएगी, वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर लेगी, वो उस पर आकर गिर जाएगी, अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेगी। इसी तरह मिसाल है चार्जेस की। चार्जेस भी बिल्कुल ये ज़मीन की तरह बिहेव करते हैं। अब चार्जेस के मामले में क्या चीज़ होती है, चार्जेस के मामले में मिसाल के तौर पर ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक आप चार्ज देख रहे हैं। अब इसके गिर्द एक आप देख सकते होंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मकसद होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद होता है जिस तरह से कोई चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड में आती थी तो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेती थी, अपनी तरफ खींच लेती थी, इसी तरह जब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड थी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये भी फोर्स लगाती है, जो भी इसके इसके जो रीजन है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसके रीजन में आ जाता है, मिसाल के तौर पर इसकी बाउंड्री इतनी है तो अगर वो यहाँ पर आ जाता तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स क्या लगाएगा, क्या वो उसे रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है चार्ज की नेचर पर। हम पिछले टॉपिक में ये बात पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अब ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी भी, और इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अभी इसके पास आ रहा है, जैसे ये इसकी फील्ड के इसके एरिया के अंदर आ जाएगा तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन फोर्स तो लगा रहा है ना। अगर मिसाल के तौर पर ये वाला नेगेटिव हो जाए और ये वाला पॉजिटिव हो जाए, तो अब ये यहाँ पर है, ये मूव करता करता यहाँ पर आया इसकी फील्ड के अंदर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस बार ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो अब अट्रैक्ट एक ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। समझ आई ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन चीज़ों के गिर्द, इन चार्जेस के गिर्द, जिसकी वजह से ये किसी चीज़ पर फोर्स लगा पाते हैं, किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं या रिपेल कर पाते हैं। अब इस चीज़ को हम ज़रा समझते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैंने मिसाल दी कि ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, चलें ये एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, प्रोटोन, ये एक चार्ज है। अब इसके गिर्द एक रीजन है, रीजन एक एरिया है, खास एरिया जिसके अंदर इसकी, मतलब आप इस तरह से मिसाल ले लें कि इसकी इसके अंदर इस एरिया के अंदर इसका राज है, ये इस एरिया का राजा है। जो भी इस एरिया के अंदर आ जाता है ना, तो या तो ये इसको धक्का दे देगा या तो उसको अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक है ना, इस तरह ये समझ लीजिए बात। अब तो ये देखें, अगर तो आता है पॉजिटिव चार्ज तो वो इसकी जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो ये देखेगा मैं पॉजिटिव हूँ, ये भी पॉजिटिव है, मेरे होते हुए एक और पॉजिटिव क्यों है, तो वो उसको रिपेल कर देगा, ठीक है, ये बात इस तरह से समझ लें। तो ये तो मैं पता है कि अनलाइक, ये लाइक है, दोनों लाइक चार्जेस हैं ना, कि एक जैसे हैं, एक जैसे चार्जेस को हम लाइक चार्जेस कहते हैं, ये बात हमें पता है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो मेन जो आइडिया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज। ये एक ऐसी बाउंड्री है, ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है चार्ज की नेचर पे जो कि उसकी फील्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी अब डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। दिस स्पेस आर रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की जगह मैंने सिंपल फोर्स ही लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है वो किसी और चार्ज पर। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ये एक चार्ज चले ये पॉजिटिव लगा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। ये देखें, ये डॉट्स से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें थोड़ा सा, ठीक है, ये देखें, अब देखें, अब आपने एक बात गौर की होगी कि ये मैंने डॉट कहीं पर मैंने ज़्यादा लगा दिए, कहीं पर मैंने कम लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिए में है। अब ये चार्ज है, इसके पास पास ज़्यादा है, उससे जैसे ही हम इस दूर जाते जा रहे हैं फील्ड, चले समझ लीजिए यहाँ तक है। ठीक है, ये बना दिया। अब इसके अंदर ये जो डॉट्स जहाँ पर ज़्यादा डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा ताकतवर है। अब मिसाल के तौर पर अर्थ की मिसाल ले लें कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो हम अर्थ के मिसाल के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान है तो हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो जब हम ऊपर खड़े हैं बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं तो हम जंप मार गए, हम उसी वक्त नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं तो फोर्स जो करीब है एरिया, जो चीज़ करीब है उस पर ज़्यादा लग रही है। अब ये देखें, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, मिसाल के तौर पर रॉकेट उड़ा यहाँ तक रॉकेट पहुँच गया, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है और यहाँ तक पहुँचा रॉकेट, लेकिन फोर्स तो इस पर भी लग रही है, लेकिन एज कंपैरिजन टू दिस पर्सन जो इस ज़मीन पर खड़ा है उसके कंपैरिजन इस पर फोर्स कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वो उससे थोड़ा सा दूर हो गया। इसी तरह अगर चार्ज यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर चार्ज ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, वो उसको ज़्यादा, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है चार्ज, तो ये यहाँ पे आया तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा उसको खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर आया, यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन एज़ कंपैरिजन टू दिस प्लेस वो उससे कम कर रहा है। तो जिस तरह हम चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी जो पावर है, उसकी जो उसको खींचने की या धक्का देने की जो पावर है वो उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है, जितना हम दूर जाते जाएंगे। तो यह बात समझ आ गई। तो ये हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज के गिर्द एक रीजन है। ये आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये जो आपको नज़र आ रही है इसके गिर्द, ये क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इमेजिन कर लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई चीज़ इसके रीजन के अंदर आती है, इस रीजन के अंदर आती है तो ये चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। इंटेंसिटी का वर्ड का मतलब क्या है, बस इंटेंसिटी का इजाफा हुआ ना इसमें, तो इंटेंसिटी हम शिद्दत को कहते हैं। ठीक है, शिद्दत, किसी भी चीज़ की शिद्दत, किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी चीज़ की तड़प जिसे कह सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कितनी शिद्दत है, उसमें कितनी शिद्दत है। अब मैंने बात की थी कि एक चार्ज है क्यू, ठीक है, ये एक क्यू चार्ज है, चलें पॉजिटिव ले लें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ के हटे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
तो एक और इसे क्या कहते हैं, इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब जिस पर ये फोर्स लगाएगा, जो इसकी फील्ड के अंदर आएगा, तो वो एक इमेजिन कर लेते हैं कि वो एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो उसे नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव क्यों ले लेते हैं, चलिए। तो ये क्या है, ये एक टेस्ट चार्ज है जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम एज अ एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं कि इसको जब इसकी फील्ड के अंदर लाया जाएगा तो इस पर आखिर क्या फर्क आएगा, क्या इसके इफेक्ट होंगे, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, जब भी कोई टेस्ट चार्ज, जब भी मिसाल के तौर पे ये टेस्ट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये लें, ये पॉइंट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, जब ये इसकी फील्ड के अंदर आएगा, जब ये इस फील्ड के अंदर आएगा, तो इस पर क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। कौन सी लग रही है, अट्रैक्शन की। क्यों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आ गई। तो ये देखिए, ये इसका जो एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लग रही है, यहाँ पर आया तो और करीब हो गया तो ज़्यादा पावरफुल लग रही है। बात की थी ना कि जितना करीब होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो अगर वो यहाँ पर आता है तो ज़्यादा फोर्स है, और करीब आता है तो ज़्यादा फोर्स होती जा रही है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर इस पर डिफरेंट फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो शिद्दत है, वो बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, दूर जा रहे हैं तो कम हो रही है, पास आ रहे हैं तो बढ़ रही है। तो इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। किसी भी टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी भी पॉइंट पर, जो एक टेस्ट चार्ज पर, जो ये बंदा, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी पॉइंट पर, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। हर पॉइंट की अलग है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर लाता हूं, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट को चलें ए का नाम दे देते हैं, ये ए है। ठीक है, तो ये ए है, इस पॉइंट पर अलग होगी, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लाता हूँ तो अलग होगी। तो यहाँ पर लाने पर इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। ठीक है, तो इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जब भी कोई टेस्ट, जब भी किसी, ये जो नज़र आ रहा है आपको पॉइंट चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज, ये इसके गिर्द जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो इस पॉइंट पर जो ये वाला पॉइंट, ये वाला चार्ज है, जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स, उस चीज़ को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और एक और बात याद रखनी है कि ये तीन चार नाम यूज होते हैं इसके लिए, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, यही कहते हैं कि इस बंदे की इतनी स्ट्रेंथ है, इस बंदे की इतनी ताकत है, इस बंदे में इतनी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो अब इसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, ये आपने याद रखना है, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट, ठीक है, ई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो जान लेते हैं। फॉर्मूला वो होता है ई। अब ये किससे बात, हमने डेफिनेशन समझ ली ना, अब डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला है कैसे, कि ई इज इक्वल टू किसी भी चार्ज पर फोर्स लग रही है, जिस पर लग रही है फोर्स वो नीचे। और हम टेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट कह लेते हैं। ठीक है, क्यू नॉट, और क्या लग रही है उस पर, फोर्स। किसी भी चार्ज पर, किसी भी टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, किसी भी चार्ज पर लगने वाली फोर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो अब इसके यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिट्स क्या होंगे इसके। यूनिट यूनिट अब देखिए, हमें पता है कि यूनिट्स अगर हमें नहीं भी याद रहते तो हम फार्मूले से इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब ये देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब नीचे लगा लीजिए जिस तरह फार्मूला है, डिवाइड लगा लीजिए। अब जो चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है कूलम। तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, ओके। और इसका जो क्या चीज है कि न्यूटन पर कूलम ये वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है, ठीक है, इसे हम वोल्ट पर मीटर भी या वोल्ट पर मीटर। तो अगर ये वाली चीज मैंने एक अलग वीडियो में, ये वाली चीज एक अलग वीडियो में मैंने इसे प्रूव किया है, आप उसका थंबनेल स्क्रीन पर देख सकते हैं और आई बटन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लेक्चर लेने के बाद वो भी देख लीजिए कि ये प्रूफ क्या है। ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के कैसे बराबर है। तो बस इस चीज़ को आप इतना याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पूछा जाए तो इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, यूनिट पूछा जाए न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको थोड़ा सा हम ड्राइव करेंगे। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये क्या एफ जो बात हो रही है यहां पर, एफ किसकी बात हो रही है, हम कूलम ला में ये बात पढ़ चुके हैं, ये कूलम फोर्स की बात हो रही है। तो हमें पता है कि एफ किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर ओवर तो नहीं आएगा लेकिन ये इतना ही क्यू और क्यू नॉट, ठीक है, ये किसी भी चार्ज की टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगती है ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम क्या इस फोर्स को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू सिंपल पुट कर दीजिए क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये तो हो गई एफ की वैल्यू। लेकिन ये नीचे ये भी है, इसमें हम पुट कर रहे हैं ना ये वाली चीज़, तो नीचे क्या आ गया Q नॉट। तो अब ये देखें Q नॉट यहाँ पर इस नीचे इसके कोई ना कोई चीज़ होती है ना बटा एक, तो क्या हम इसको इस तरह उल्टा सकते हैं ऊपर जाकर, बिल्कुल उल्टा सकते हैं। तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, Q Q1 Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, ये चीज़ आ गई आर स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम उल्टा देंगे ऊपर जाकर तो क्या हो जाएगी, वन ओवर क्यू नॉट, ठीक है ना। जब भी इस तरह बटे के नीचे बटा दिया हो तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना ये ऊपर जाके बटे में आएगी या क्या, आपने देखना है अगर तो उसके नीचे कुछ है तो उसको इस पूरी चीज़ को उल्टा देना है, अगर कुछ नहीं है तो वन लगा लीजिए, इमेजिन कर लीजिए वैसे ही। तो इसको वन को जब नीचे, ये वन नीचे है यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, तो इस चीज़ को उल्टा कर ऊपर लिख दिया। ये बात हम मैथ वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बाकी भी हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं बचपन में भी। तो ये क्यू नॉट और क्यू नॉट सेम है, तो इस क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर दीजिए। तो E किसके बराबर आ गया, E इज इक्वल टू एफ क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ये क्या चीज हमने पढ़ी, ये हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज पर या पॉइंट चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डायग्राम अगर आपने समझनी है तो वो इस तरह समझ लीजिए, ये चीज वही जो चीज़ हम पहले पढ़ते हैं कि अगर ये Q है और ये Q नॉट है, ठीक है, तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, हम पढ़ रहे हैं कि इस पॉइंट पर अगर ये Q नॉट है तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है तो उसकी जो E की वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमने ये जाना, ठीक है। तो इस टॉपिक का क्या नाम है, ये है तो इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वो वाला टॉपिक, ठीक है, ये निकला है इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये चीज़ ड्राइव हो गई, ठीक है।
तो आज ये हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ क्या पढ़ी? पहली चीज़ थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये उस उसकी डेरिवेशन है इतनी, ठीक है। ये डायग्राम बनानी है और ये चीज़ ये बुक पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी ये किस तरह से हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव लेक्चर, पीटीबी बुक्स के रिलेटेड, इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज, आप कंप्यूटर चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट किस्म का नॉलेज मिल जाएगा, कंप्यूटर के रिलेटेड भी है, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पीटीबी के लेक्चर्स तो रेगुलर आते रहेंगे। तो अगर तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।